गाइस अभी रात के बजने वाले हैं 3 एंड अभी भी मतलब मेरे को नींद तो भी आ रही है एंड आई एम एंजॉइंग दिस वर्क अलॉट। तो अभी बस यही काम कंटिन्यू है। ये सारे कैसे बने हैं ये आपको अलग से एक मेरी YouTube वीडियो आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सब्सक्राइब कर दो तो अपने चैनल को। मैं कैसा लग रहा है तो हम ये कैसा लग रहा है? अच्छा। और ये बाकी सारे अच्छे? हम हर दीवार पे देख रहे हैं कि मतलब कौन सा, मतलब जो हमने ये सीरीज वगैरह मंगाई है तो कौन से पे सूट करेंगी। ये दो टाइप की हैं, एक एलिफेंट वाली है। दोनों ही सूट करेंगी ना, इस पर दोनों ही सूट करी, बट ये वाली मुझे बहुत सुंदर भी लग रही है। चॉइस किसकी है गाइस? फाइनली अब सारा काम कंप्लीट करके 5:10 हो रहे हैं सुबह के, तो अभी हम फाइनली हमारा सोने का सीन बन चुका है। अब हम सोएंगे, फिर पता नहीं कब उठेंगे। गुड मॉर्निंग एंड अभी मैं रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, मैंने नहा लिया है एंड अभी मैं कर रही हूँ मम्मी की पूजा में हेल्प। पूजा में हेल्प इन द सेंस मतलब भगवान जी के दर्शन होते हैं एंड इनमें जो भी मतलब जोत वगैरह जिसमें हम जलाते हैं तो उनको डेली वॉश किया जाता है। तो अभी आज संडे है तो मैं घर पे थी तो मैं कर रही हूँ हेल्प एंड रियली मैं कर ही देती हूँ अगर घर पे होती मम्मी की हेल्प। गाइज अभी मम्मी की हेल्प भी कर दी है एंड बाहर बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है एंड आजकल ना धूप बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि विंटर्स थोड़े थोड़े ऑलमोस्ट आ चुके हैं दिल्ली में एंड मैंने फुल स्पीड भी पहने स्टार्ट कर दी। ये उतना मतलब विंटर वाला नहीं है, ये मतलब मीडियम है। अब हम खा रहे हैं दही भल्ले, प्याज आलू एंड पराठे। सुधी ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं करना चाह रही हूँ ये घिया जो है इसको ग्रेट करके इसका बनेगा यम्मी सा हलवा। तो बड़े दिनों से मेरा हलवा खाने का मन था तो इसको पहले मैं फटाफट से ग्रेट करती हूँ। अभी हो चुकी है इवनिंग पूजा भी एंड मैं दिखाती हूँ जो पुजारी है, जो हम सो ही इज़ द वन जो पूजा कर रहा है, ये हमारे घर का पुजारी है। आपको कैसा लगता है पूजा करके भाई? हंसता ही तो है पूरे ब्लॉग, करता ही क्या है और खाता है ना। ऑलरेडी एक स्वीट चीज बनी रही थी तो हमने सोचा एक और स्वीट चीज बना लेते हैं, मालपुए इफ़ यू गाइज नो। तो इसके अंदर ये जो हैं ये वाले पुए इसमें ऐड होंगे एंड इसकी वो चाशनी रेडी है। जल्दी जाके क्या तेरे को झाड़ू पोछा करना है? एक्टिविटी करनी होती है मेरे को। कौन सी एक्टिविटी? टेनिस। आता है? गाइस दिवाली पे जो मतलब ये दिया दीदी और मेरा वाला रूम था, ये इसकी वॉल बेड के साथ वाली वॉल पूरी खराब हो चुकी है और अभी इसको आया है ये पटाखे। मुझे पटाखे पता है, मुझे नाम नहीं पता। तूने दीवारें देखी? दीवारों की हालत खराब हो गई दिवाली पे। इतना खुराफाती दिमाग पाया कहाँ से आपने? मुझे ये नहीं समझ आता। अभी हम आ गए हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं हम लोग इसको चलाने के लिए। आज इसको देखो आराम से भाई, आराम से मुझसे दूर रहा है। मुझे ना वैसे पटाखे से ना थोड़ा डर लगता है, लाइक मैं सिर्फ फुलझड़ियाँ चलाती हूँ दिवाली पे, मैं और इसी में काफ़ी हूँ, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। बाकी मुझसे जलते नहीं है, यही जलाता है हर साल। ओ भाई मुझे भागने दे, रुक जा। फुस्सी है हवाई तो निकलती फिर इसके बाद। जला ही नहीं है, लॉल जला तो जाके भागा 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 भागा।
सुस्ती है ना, जल जाते है पानी, ये बड़ी पानी का तो पता नहीं, अगर जल जुला गया तो तू पिटेगा बहुत, बस इतना याद रखियो। तब भी